जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं ELS न्यूज पर। जी दोस्तों, आज हो गई है 2 दिसंबर सोमवार। जी दोस्तों, ये बात करते हैं क्या है 2 दिसंबर सोमवार की बड़ी खबरें। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी खबरें जानने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको दे दीजिए। चलो दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के नए टैरिफ पैक लॉन्च, 42% होंगे महंगे प्लान। जी दोस्तों, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने नए और महंगे प्लान शुरू कर चुके हैं। जी दोस्तों, इन प्लान की घोषणा कर दी चुकी है। दोनों कंपनियों ने अपने टेरी प्लान के दाम में 42% तक बढ़ाएगी कंपनी महंगे तीन दिसंबर से लागू हो गए। वोडाफोन ने अपने पिछले महीने में कहा था कि वे बिजनेस में हो रहे नुकसान के कारण में टेरी रेट्स को महंगा करने वाली है। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के मुताबिक टेरी बढ़ने के बाद ही वोडाफोन आइडिया और सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान ₹19 का महंगा हो गया है। इसके साथ ही कंपनी ने अब दूसरे नेटवर्क पर भी जाने वाली कॉल्स के लिए भी FUB लिमिट सेट कर दी है। बता दें कि इससे पहले वोडाफोन आइडिया और टेरी महंगे करने की घोषणा की, जिसके बाद एयरटेल ने भी अपने दाम का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों, प्लान की रिवाइज होने के बाद वोडाफोन ने पोर्टफोलियो के अब 365 दिन वैलिडिटी वाले 2, 84 दिन की वैलिडिटी वाले 3, 28 दिन की वैलिडिटी वाले 4 प्लान के अलावा 2 कॉम्बो प्लान भी शामिल हुए हैं, जो डेटा टॉप टाइम और रेट टक्कर बेनिफिट के साथ आते हैं। इसके साथ ही यूजर्स को 4 फर्स्ट रिचार्ज प्लान भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें ₹19 का अनलिमिटेड शेष पैक भी शामिल है। वहीं दोस्तों, ₹49 और ₹79 के 2 कॉम्बो वाचर भी दिए जा रहे हैं। ये दोनों कॉम्बो वाचर प्लान ऑलराउंड प्लान में मिलने वाले सभी बेनिफिट के साथ आते हैं। ₹49 के प्लान में ₹38 तक का टॉक टाइम, 100 MB डेटा भी दिया जा रहा है। वॉइस कॉल के लिए कंपनी अब प्रति सेकंड 2.5 पैसे लेगी। चले दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रात में 9 घंटे सोने के लिए कंपनी दे रही है ₹1,00,000। जी दोस्तों, अगर आपको भी अच्छी नींद पे रहे तो क्या आप अगर इसी पैर नींद के लिए ₹1,00,000 मिले तो आप उसमें फॉर्म भरेंगे या नहीं। एक कंपनी आजकल चर्चा में, जो आपको सिर्फ सोने के लिए ₹1,00,000 का इनाम दे रही है। इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर में ही सोना होगा। इस स्टार्टअप कंपनी का नाम वेकफिट है, जो अपने कुल बैंकिंग ट्रेंड्स को 100 दिनों तक दिन में 9 घंटे की नींद के लिए ₹1,00,000 का इनाम दे रही है। और दोस्तों, आप 100 दिनों तक रोजाना 9 घंटे की नींद लेते हैं तो आपको बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप डेटा के चेक कर ₹1,00,000 का इनाम देगा। और दोस्तों, इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि इस सख्त में रात में सोने से पहले 100 देखने की आदत को छोड़ सके और रात के समय मोबाइल पे अपने आने वाले नोटिफिकेशन को भी इग्नोर कर सके। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। CM अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटखोरों के लिए हो सकती है फांसी की सजा। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। गहलोत ने मिलावटखोरों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान की मांग की है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मीडिया कमेटी से बात करने के बाद गहलोत सरकार ने कहा कि उसकी सरकार मिलावट कर शक्ति के रोकथाम के लिए बड़ा अभियान छेड़ेगी। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने यह CM गहलोत मिलावटखोरों पर सिंगजा कसने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब यहां तक डर रहा है कि गोविंद के दरबार में चढ़ाए जाने वाला भोग भी वही मिलावटी तो नहीं है। CM गहलोत ने तत्काल उसकी शंका का समाधान किया और कहा कि इन लोगों को सहज से खेलने वालों को सरकार सबक सिखाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सावधान, अगर तोड़े केस के लेन देन से जुड़े 11 नियम तो होगी आपको सजा, आएगा आपके घर पर नोटिस। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले हफ्ते में कैश लेन देन से जुड़े कई सख्त नियमों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार देश के डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 50 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान करना जरूरी हो गया है, इसलिए आज हम आपको कैश के पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है, लेकिन घर में कैश रखे जाने पर उसकी डिटेल आपको जरूर बतानी होगी। जी दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को दिए 45 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, रुपए नहीं डॉलर दिए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा भारत यात्रा पर है। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद राजपक्षा ने श्रीलंका के कब्जे में मौजूद भारतीय मछुआरों की नाव छोड़ने की घोषणा की है। साथ ही दोनों देशों को आर्थिक और सुरक्षा संबंधित मामलों पर भी मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। PM नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि दोनों देशों के विकास और शांति में आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने राजपक्षा को भरोसा दिलाया है भारत श्रीलंका के बीच विकास और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को श्रीलंका के 45 करोड़ रुपए डॉलर देने की पेशकश की है। इसमें से $40 करोड़ आधारभूत परियोजनाओं के और $5 करोड़ आतंकी हमलों की सुरक्षा के उपायों के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मिली इस अपडेट साथ सभी को जाने को मिल गएगी। वही दोस्तों, आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की जो लाभ दिया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन दिया उसको दे दीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय किसान, जय भारत।